सूरज के, हाय हाय हाय, सूरज के, सूरज के, सूरज के, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास। थोड़ा सा छोड़े, थोड़ा छोड़े, बेशक सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास। एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। हर ऊंटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊंटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊंटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मनना रही है दाई हलीमा के आस पास, हर मनना रही है दाई हलीमा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास। अब जो शेर मुझे पढ़ना था, भाई फिरोज राहत तशरीफ रखते हैं, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं। अब अगर ये बैठे और इनके खानवादे का इनके घराने का अगर जिक्र मौजूदगी में हो तो उसका लुत्फ ही कुछ अलग हो जाएगा। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुन के बताना, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जो सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, हर ऊंटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही है दाई हलीमा के आस पास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा बोलेंगे बोलेंगे। अगर इस शेर पे नहीं बोले तो पूरी रात कितना भी अपना शेर पढ़ दिया जाए आप नहीं बोलेंगे, अगर इस शेर पे नहीं बोले तो। समाज मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, हो फातिमा जहरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे आज़म हिंदुस्तान जनाबे अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव। बहुत शुक्रिया। जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आस पास। बहुत शुक्रिया भाई वारिस कहो एक नाते पाक, तो उसमें जो भी 5-7 मिनट लगेंगे और 2-3 मिनट में एक मुखड़ा और दो बंद में एक नज़्म सुना दूं आपको।
हाँ आपने शायद YouTube के हवाले से सुनी या इलाके में सुनी होगी, लेकिन भाई फिरोज राहत से मुलाकात हुई है तो उनको ये मुझे बड़ा दो पद सुनाना है, आप भी थोड़ा सा मतलब पद सुन ले। फिरोज भाई रात अभी एक नज़्म बड़ी तेजी से मुल्क में सफर कर रही है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, है ना? अब मैं शायर आदमी हूँ, है ना? नाथा के लिए कोई मसला नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा, उसको अच्छा लगा उसने पढ़ दिया, लेकिन राइटर सोचता है कि क्या लिखना चाहिए या क्या सच्चाई क्या है। तो मैंने कुछ शेर लिख दिए।